ओके सो हाय गाइस व्हाट्स अप वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस इस टाइप का कॉन्सेप्ट। एंड जो गाइस ये कॉन्सेप्ट है हमारा गाइस, इसमें मैं जितने भी अर्न पेजेस का मैं यूज करूंगा सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इजीली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस मैं मतलब ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है काफी क्रिएटिव एंड ऑसम होने वाला है। अगर गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि यार आप सभी को पता होगा हम 20 के सब्सक्राइबर इतने करीब हैं, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड गाइस एक प्यार सा कमेंट जरूर करना नीचे, आजकल आप कमेंट नहीं करते हो तो प्लीज यार एक कमेंट जरूर कर देना। एंड गाइस अगर आप लोग ऐसी फोटो का एडिट करते हो तो गाइस मुझे इंस्टाग्राम पर टैग जरूर करना, आपको इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले आप सभी को करना है गाइस आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना, ठीक है गाइस। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। देन गाइस आपको जाना है ऐसे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से जो है आप सभी को अपने मॉडल को ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम अपने मॉडल यहाँ पे ऐड कर लेते हैं एंड यहाँ पे ऐड ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। एंड उसके बाद ये ऐड हो गया यहाँ पे, तो अब क्या करेंगे हम इसको रोटेट करेंगे। यहाँ पे रोटेट करने के बाद गाइस जो साइज़ है आपके मॉडल का गाइस, वो आप सभी को क्या करना है, जो आपका जिराफ है गाइस उसके जो मतलब कि हेयर्स वगैरह दिख रहे हैं, जो कान वगैरह दिख रहे हैं आपको गाइस, उसके बराबर में आपको हाइट रखनी है, ठीक है। अपने मॉडल की कुछ इस टाइप से यहाँ पे रख देना है, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद गाइस आप सबको सिंपली डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डन कर देना है। एंड गाइस उसके बाद आप सबको ऐसे ऐड फोटो से जाके गाइस आपको एक ब्लर का पीएनजी लेना है, ठीक है गाइस। तो हम उसको यहाँ पे ऐड करते हैं। सो एक ब्लर का पीएनजी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। एंड उसके बाद हम इसको भी रोटेट करेंगे यहाँ पे एंड थर्ड वाला ऑप्शन लेके रोटेट। एंड उसके बाद गाइस आपको कुछ स्टेप्स ना साइज को कुछ भी नहीं करना है गाइस, आपको सिंपली कुछ स्टेप्स ऐसे लेके यहाँ पे इसको रख देना है, ठीक है। तो देखिए गाइस काफ़ी अमेजिंग लग रहा है हमारा इस ब्लर के ऑप्शन की वजह से, ठीक है। तो ब्लर का पीएनजी हमने लगा दिया है। अब गाइस दोबारा ऐड फोटो में जाएंगे, ऐड गाइस एक सनलाइट का पीएनजी लेंगे हम, ठीक है। तो हम सिंपली इसको ले लेते हैं। एंड उसके बाद गाइस आपको ये वाला पीएनजी को गाइस आपको पहले इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है यहाँ पे, तो हम इसको पहले यहाँ पे स्क्रीन कर लेते हैं। एंड गाइस उसके बाद आपको साइज को कुछ स्टेप्स ऐसे बड़ा करके रखना है, क्योंकि गाइस जो हमारे जिराफ है उसके पीछे से जो लाइट आ रही है ना गाइस, उसका इफेक्ट हमारे मॉडल के ऊपर ही पड़ रहा है गाइस, इसलिए हम रियलिस्टिक सा लुक दिखाने के लिए हम ये पीएनजी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आपसे भी कुछ स्टेप्स ऐसे कर देना है। देन गाइस आपसे वो सिंपली यहाँ पर डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके डन कर देना है, ठीक है गाइस। तो इतना हो गया हमारा। अब क्या करेंगे गाइस यहाँ पे, हम अब यहाँ से चलेंगे, हम यहाँ से एक पीएनजी और लगा ले, सॉरी अब पीएनजी सारे लग चुके हैं। अब यहाँ से हम टूल्स में जाएंगे, फिर एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद गाइस आपको थोड़ा सा इसका ब्राइटनेस बढ़ाना है, फिर उसके बाद आपको जाना है इरेजर टूल में, इसको यहाँ पे आपको इन्वर्ट करना है, ब्रश को लेना है, साइज़ को अपने अकॉर्डिंग रखना है आपको, ठीक है। तो मैं हल्का सा छोटा कर लेता हूँ। एंड गाइस उसके बाद आपको अपने फेस के ऊपर हल्का सा डोजिन बन कर लेना है, या फिर अगर आपने पहले से कर रखा है तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो हम इसके यहाँ पे कुछ इस टाइप से कर लेते हैं। एंड यहाँ पे इतना परफेक्ट है, अब यहाँ पे हम इसको डन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओपेसिटी वगैरह भी ठीक है हमारी, यहाँ पे तो ओपेसिटी छेड़ने की जरूरत नहीं है, तो फिर डन। अब गाइस क्या करेंगे हम इस फोटो को यहाँ पे करेंगे सेव, बिकॉज गाइस अब इसमें बारी हमारी कलर करेक्शन की, और गाइस कलर करेक्शन के बिना तो हमारी फोटो बिल्कुल अधूरी है। तो अब हम इसको लेके चलते हैं लाइट रूम ऐप में। सो गाइस यहाँ पे हमने फोटो को जो पहले से ऐड कर रखा है, तो अब क्या करेंगे गाइस यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब जाएंगे इस लाइट वाले ऑप्शन में, ठीक है। एंड लाइट वाला ऑप्शन में जाने के बाद गाइस आपको इसका थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है, ठीक है। एंड जो हाईलाइट है गाइस आपको इसको थोड़ा सा यहाँ पे कम कर देना है। एंड जो शेडो है गाइस इसको आपको बढ़ा देना है, ठीक है, शेडो को आगे की तरफ बढ़ा देना है। फिर उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपको यहाँ पे मिलेगा वाइट, आपको जो वाइट है इसको आप थोड़ा सा प्लस में रख लेना, ठीक है, हल्का सा। फिर उसके बाद आपको जो ब्लैक है गाइस इसको आप थोड़ा सा कम कर सकते हो, ठीक है, अदरवाइज आपकी मर्जी है आप इसको बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आपको जाना कलर्स वाले ऑप्शन में, आपको इसका जो वाइब्रेशन है आपको उसको बढ़ा देना है, ठीक है। एंड उसके बाद जिसका टेम्परेचर इसको हल्का सा कम कर देना है। फिर जाना आपको गाइस कलर मिक्स में, एंड यहाँ पे आपको मिलेगा ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर में जाने के बाद आपको उसका सेचुरेशन माइनस कर देना है। एंड जो ल्यूमिनस आप अपने फेस के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है येलो कलर में, इसका जो ह्यू है आपको उसको माइनस कर देना है, सेचुरेशन को प्लस कर देना है। फिर इतना कर देने के बाद आपको जाना है डार्क ब्लू में, आपको अगर ब्लू कलर नहीं चाहिए होगा तो आप इसका सेचुरेशन बिल्कुल माइनस कर सकते हो, अगर आपको चाहिए होगा तो सेचुरेशन आप बढ़ा सकते हो। देन गाइस आपको यहाँ पर डन कर देना है। फिर जाना आपको कलर के नीचे वाले टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी हुई आपको उसको बढ़ा देना है, ठीक है, आप जितना चाहो उतनी क्लियरिटी यहाँ पर बढ़ा सकते हो। फिर गाइस आपको इसमें विग्नेट डाल देना है, विग्नेट डाल देने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपको यहाँ पर मिलेगा ग्रेन अमाउंट, आपको उसको बढ़ा देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको नीचे इस वाले ऑप्शन में जाना है। एंड जो गाइस आपको यहाँ पे शार्पनेस दिख रही है आपको उसको बढ़ा देना है, ठीक है, फोटो की एचडी क्वालिटी को करने के लिए। देन गाइस आपको नॉइज रिडक्शन को बढ़ा देना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा कलर नॉइज रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली गाइस जितने भी कलर रिटर्स थे पीएनजी वगैरह हमने सब कुछ लगा दिए हैं। एंड गाइस जो भी रिजल्ट है वो आप सभी के सामने है। तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो,
एंड गाइस इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फोटो टैग करना मत भूलना गाइस। बाकी गाइस मैं मिलता हूँ फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।